डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है, नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है।